तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक और जबरदस्त नगमा। तो अगर आप इस नगमे को अपने कीबोर्ड के ऊपर पूरा सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब फटाफट करके वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं शानदार लहर को अपने कीबोर्ड के ऊपर। तो लहरा हमारा किस प्रकार से है, स्लो में करके एक बार मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ किस प्रकार का लहरा है। तो चलिए अब इसे हम सोलो में करके सीखते हैं नगमे के पैटर्न को। पर इसको सीखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा लहरा है वो राग कलावती का है, 3 ताल और 16 मात्रा का ही रहेगा हमारा लहरा। तो सोलो में करके सीखते हैं किस प्रकार से है। आपको लहरे के जो नोट्स हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो किस प्रकार से, पहले 3 मात्रा पर सा है 3 बार तार सप्तक का, फिर सागा सा, फिर उसके बाद किस तरीके से बजाएंगे एक बार और सीखिए। सा सा सा, फिर उसके बाद सा सा, फिर नी धा पा धा पा धा नी धा पा धा सा नी सा, फिर उसके बाद धा पा नी धा नी पा धा, फिर उसके बाद चार सप्तक का सा, फिर 3 बार। तो अगर आपको इस नगमे का मात्राओं को अगर गिनना है तो आप ऊपर गिन सकते हैं, जो एक लाइन में है वो एक मात्रा है, जिनमें डैश लगा हुआ है वो अलग अलग मात्रा है, क्योंकि इसमें जो सागा सा है वो एक मात्रा पर है और उसके बाद जो गापा धानी धा है वो भी एक मात्रा पर है, नीसा एक मात्रा का है, धानी पाधा जो है वो भी एक मात्रा का है। तो आप मात्राओं को आसानी के साथ गिन सकते हैं। एक बार मैं आपको और बजाकर दिखाता हूँ किस तरीके का लहरा है। तो अगर आपको इसे रियाज करना है तो आप इसका टेम्पो जो है वो 60 या 60 के आसपास ही रखिएगा, क्योंकि अगर आप 60 के पर अगर बजाएंगे टेम्पो पर तो आपको कहीं पर भी संगत करने में कोई विसंगत नहीं होगी, क्योंकि आप जब सेटिंग करे रहेंगे एक टेम्पो के ऊपर तो आप अच्छी तरीके से बजा पाएंगे अपने रिदम वाले के साथ। अगर आप इसे थोड़ा डाउन या हाई टेम्पो पर सीखेंगे तो आप उनके साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है बजाने में, क्योंकि आपके टेम्पो अगर हाई होगा तो उनको अपना टेम्पो बढ़ाना होगा। तो एक बार मैं आपको इसका टेम्पो बढ़ाकर बजाकर दिखाता हूँ किस तरीके से फास्ट तरीके से बजाना है। लेकिन आपको रियाज करना है तो आप इसे किसी भी टेम्पो के ऊपर रियाज कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे एक संगत में बजाएं तो आपको 60 या 60 के आसपास ही इसका टेम्पो रखना है। तो किस तरीके से, एक बार मैं स्टेप से बजाकर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज का जो हमारा लहरा था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो माध्यम से आपको ये लहरा अपने कीबोर्ड के ऊपर बजाना समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और प्यारे टॉपिक के साथ, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने कीबोर्ड के ऊपर अपना रियाज जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।